हाय गाइस, सो मैं फिलहाल ऊपर हूँ गनहिल पर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया केबल का, उसके चार्जेस हैं ₹125 रिटर्न टिकट के चार्जेस हैं। और फिलहाल यहाँ पर बच्चों का फोटोशूट करा रहे हैं, जिस तरह की ड्रेस होती है ट्रेडिशनल ड्रेस। और हम हैं ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का सारा व्यू। व्यू काफ़ी कमाल का है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। अब हमें कंपनी गार्डन, और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो है ₹25 पर हेड, ₹25 एक आदमी के। और मेन एंट्रेंस यहाँ से है। तो गाइज, बहुत लंबे जाम के बाद हम पहुँच गए हैं कंपनी गार्डन। ओके, और यहाँ से शुरू होता है ये सारी शॉप्स वगैरह हैं। ये सब शॉप्स हैं यहाँ पर जिसकी एंट्रेंस है। जैसे कि मैंने आपको प्राइस बताया, यहाँ के ₹25 एंट्री चार्ज है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या क्या उसके चार्जेस हैं। और मे बी अगर हमें टाइम मिला, हम वापस जा रहे हैं, अगर हमें टाइम मिला तो हम रास्ते में रुकेंगे जेल में, और वहाँ पर हम कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग और ज़िप लाइन। तो उसके मैं चार्जेस आपको बताऊँगा। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी मसूरी की, जिसमें मैंने करी थी पैराग्लाइडिंग और ज़िप लाइन, वो मैंने आपको, आप देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। सो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइज, मैं हूँ कंपनी गार्डन में, और आप देख सकते हैं पूरा व्यू मेरे पीछे। ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है, कुछ फाउंटेन लगे हुए हैं, व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी है यहाँ पर। आप देखिए मेरे चारों तरफ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं यहाँ पर आकर। और सबसे अच्छी बात है, मतलब मसूरी में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, तो अभी तक एक बेस्ट जगह जो बची हुई है वो यही है। नहीं तो अगर आप बात करें कैंपटी फॉल की, तो कैंपटी फॉल भी मतलब काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जाने में। और आप देखिए यहाँ पर पीछे, अगर शायद आप देख पाएँ, वहाँ पर है एक झरना है, वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर पास में जाकर। फ़िलहाल का आप ये वाला व्यू लीजिए, काफ़ी कमाल का है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, यहाँ पर एक 3D सिनेमा भी बना हुआ है जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और क्राउड काफ़ी अच्छी है। अगर क्राउड की बात करें हम, तो क्राउड काफ़ी आपको बढ़िया मिल जाएगी यहाँ पर। सीज़न का टाइम है, एक इधर हॉन्टेड हाउस, अभी काफ़ी चीज़ें नई हो गई हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ पर है, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में दिखाई थी, वो है वैक्स म्यूज़ियम। तो वैक्स म्यूज़ियम भी यहाँ पर है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। शायद मैं इस बार वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो लास्ट टाइम देखा था, आप लोगों को भी दिखाया था। तो चलिए और चीज़ें हम कवर करते हैं यहाँ की गार्डन की। मैं एक इधर छोटा सा बीच में जगह है, वहाँ पर जाते हैं। ओके, तो एक आप देख सकते हैं इधर से व्यू, और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे झूले वगैरह हैं बच्चों के लिए, आप काफ़ी चीज़ें कवर कर सकते हैं उसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक इधर देख सकते हैं। और जिस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था, वाटरफॉल है मेरे पीछे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो बाकी वाटरफॉल जो मैं कह रहा था, वाटरफॉल है ये, मैं दिखाता हूँ आपको पास से।
ताकि आपको बेस्ट व्यू आ पाए। तो चलिए कुछ अलग से हम कवा करते हैं। यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया फ़ोटोज़ आ सकते हैं। पीछे देख सकते हैं इस लोकेशन को। लास्ट टाइम शायद ये मैंने नहीं देखा था, लास्ट टाइम उस वक्त ये नहीं था। यह होगा मैंने मिस कर दिया होगा, लेकिन फ़िलहाल का टॉप व्यू यही है। सो गाइस, एक जगह इधर भी है ऊपर, अगर आप देखें मेरे पीछे जो ये स्टेयर्स जा रही हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हुई भी है यहाँ पर। मैं कोशिश करता हूँ इस जगह को भी कवर करने के लिए, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। सो गाइस, जिस फ्लावरिंग की मैं बात कर रहा था वो फ्लावरिंग ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर फ्लावर्स मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया प्लांटेशन है ये, आप देखिए। ये वही जगह है लास्ट टाइम जहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी हुई थी, तो काफ़ी बढ़िया व्यू है, आप देख सकते हैं। मेरा फेवरेट मैं आपको दिखाता हूँ, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, ये आप देखिए। और मैं आपको एक चीज़ और कवर करता हूँ जो मुझे कुछ अलग सा यहाँ पर दिखा है, आप लोगों को भी देखना चाहिए, आपके लिए काफ़ी को अच्छा लगेगा काफ़ी आई थिंक। एक पुरानी कार के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, कुछ क्रिएटिव किया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये 800 है, मारुति 800, जिसके अंदर इन्होंने प्लांट्स रखे हुए हैं, काफ़ी क्रिएटिव है। और इधर ये सारे प्लांट्स, सारे फ्लावर्स आप देख सकते हैं। सो गाइस, फ़िलहाल मैं काफ़ी थक गया हूँ, और मुझे जैसे कुछ और इंटरेस्टिंग दिखता है आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। इसके भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, ₹100 इसका जो प्राइस है 15 मिनट के लिए, ₹100 में 15 मिनट आप मसाज करा सकते हैं। और गाइस, पैसे बचाने का तरीका, आप 10 मिनट खुद अपनी मसाज करा लीजिए, 5 मिनट किसी और को बिठा दीजिए या शेयर कर लीजिए, या आप 5-6 एक साथ मिलके करा लीजिए, बार्गेनिंग कर लीजिए, पैसे बच जाएंगे आपके। हमने तो वही करा है, पैसे बच गए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और चलिए, अब हम जा रहे हैं वापस सहारनपुर, वापस घर जा रहे हैं, मसूरी से निकल रहे हैं। तो उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।